दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। वो जो क्वाड पार्टनरशिप थी उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलोंग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। असल जो मामला है वो कल है और वो ये है कि जो क्वाड का इजलास है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर, और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजर में कितनी ज्यादा है, इसको एक नजर देखा जाना चाहिए। ये अब आप देखें जो रिजर्व्स हैं हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर, ब्लूमबर्ग के मुताबिक लेस देन 2 months ऑफ इंपोर्ट, 2 महीने के बाद हम बाहर से कुछ भी बरामद नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं। कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट अ टाइम, हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना, बिल्कुल। इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी न्यूज 91 में। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से फेमस हो रही है, और इसी को देखकर अब जो है पाक मीडिया की जो जलन है वो उससे मतलब नतीजे पाकिस्तान की तरफ से आने लगे हैं। अभी वो पपुआ गिनी में गए थे, वहाँ पर वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए और वहीं के लोगों ने भारतीय संस्कृति में आकर के साड़ी पहन करके मतलब उनका स्वागत किया और उनके पैरों में लेट गए। कुछ इस तरीके की वीडियोस जो हैं वायरल हो रही हैं जिन्हें मतलब अब पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, बहुत अच्छे स्तर से वो वीडियो वायरल हो रही है। और इनकी जो वायरल तस्वीरें हैं मोदी जी की, उनको देख करके पाक मीडिया जो है अलग अलग रुझान दे रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से टारगेट कोई भी ना कोई उन्हें बांधना चाहिए होता है अपना, मतलब उन्हें टाइम काटना है बुराई करके, और यही काम इस वीडियो के अंदर हो रहा है। क्योंकि जो हमारे मोदी जी हैं वो वर्ल्ड लीडर यानी कि बेस्ट वर्ल्ड लीडर के रूप में, और मैं आपको बता दूं कि हर कोई देश पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे जो मोदी जी हैं वो एक अच्छे और पॉपुलर नेता हैं, और इसी की वजह से पाक मीडिया को मिर्ची लगी है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो जो क्वाड पार्टनरशिप थी उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और अभी इन्होंने जो जापान में समिट हो रही है उसमें इन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक तो न्यू रूल्स लिखेंगे। जो चीज समझने की है वो ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर पे एक ट्वीट की, और ये जो पिक्चर मेरे सामने यही मैंने ट्वीट की, और मैंने कहा देखें जनाब के क्या हालात हैं कि इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलॉन्ग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स, और पाकिस्तान आज भी ये फैसला कर रहा है कि हम हु इज हु इन पाकिस्तान और हमारी डायरेक्शन क्या है। ये सीधा सा फर्क कि इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि वी आर राइटिंग न्यू रूल्स। माजी में अमेरिकन्स ने यूरोपियंस के साथ मिलके नए रूल्स लिखे, अब क्या है कि अब अमेरिकन्स जो है वो एशियंस के साथ बैठ के नए रूल्स लिख रहे हैं, एंड पाकिस्तान इससे बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान तो सीधा सीधा यहाँ पे तो मतलब इतनी इन्होंने हमारी लीडरशिप मीडियोकर लीडरशिप है कि उन्होंने बजाय इसके मीडियोकर लीडरशिप लो पॉलिटिकल आईक्यू के साथ जो उन्होंने जिस इस मुल्क को जिस तरह लेके चले हैं पिछले 75 साल में, एंड देन फिर डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स रहे हैं, फिर हाइब्रिड सेटअप्स रहे हैं, तो हम तो कहीं पे हमें तो पता नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। जो मर्जी चाइनीज कहते रहे, जैसे भी कहते रहे, दिस इज नॉट बाउंड टू फेल, दिस इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि ये जो ममालिक हैं इनकी कौन सी इकोनॉमीज बुरी हैं और वो तो मैं बाद में डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन खैर पाकिस्तान इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि हमने इंडो पैसिफिक में जाना है कि किधर जाना है। असल जो मामला है वो कल है और वो ये है कि जो क्वाड का इजलास है उसमें देखना यह कि उसके अलामिये में चाइना का जिक्र खैर आता है कि नहीं आता, क्योंकि दो बातें चाइना की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग, दो बयान बड़े इंटरेस्टिंग आए। एक बयान जो ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि चाइना का ही मौका बयान करता है ग्लोबल टाइम्स, तो ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही प्रीएम्प्ट किया है, और वो प्रीएम्प्ट से मतलब है कि पहले ही बात कर दी है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी,
कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान, स्टिल कॉशियस अबाउट आईपीईएफ, ये जो उनका एक दफा मुआहदा हुआ है डिस्पाइट बीइंग इनिशियल सिग्नेटरी, अच्छा यानी वो माशी मुआहदा हुआ है जिसके अंदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें 12 मुल्कों ने जो एशिया पैसिफिक के हैं या इंडो पैसिफिक के उन्होंने साइन कर लिया है और उनके साथ, तो कि इंडिया उम्मीद है कि अपनी अटोनॉमी को रखेगा। अब इसको दो अंदाज में लिया जा सकता है, एक तो यह है कि अच्छे अंदाज में कि इंडिया अपनी जो गैर जानबदाराना पॉलिसीज को, दूसरा यह है कि धरना तो देके बैठा है इंडिया कि सरहदों के ऊपर चाइना, तो एक तरह से इसको वार्निंग भी लिया जा सकता है कि इंडिया कितना आगे जाता है क्वाड पे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया के मामले पे, यूक्रेन के मामले पे एक स्टांस ले चुका है और रशिया से ऑयल ले रहा है और रुपीज में ले रहा है, जैसे कि इटली और जर्मनी ने शुरू कर दिया लेना, तो रूबल्स के अंदर अकाउंट्स खोल रहे हैं, भाई यूरोप के अंदर भी तो क्राइसिस पैदा हो रहा है ना। और साथ ही तो ये क्वाड का जो इजलास है कल का, ये इंपॉर्टेंट है कि इस इजलास के नतीजे में एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या स्टांस होता है। पहली बात तो यह है कि जो अपने क्वाड 2022 की बात कर रहे हैं वो कल यानी ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे मंगल से वो शुरू हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, और ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि ये तो बहुत वक्त पहले ये फोरम बना था जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। अब ये देखें कि कहां जापान, कहां ऑस्ट्रेलिया, कहां अमेरिका और कहां इंडिया हमारे पड़ोस में, और दैट इज पार्ट ऑफ क्वाड, तो ये एक बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर, और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजर में कितनी ज्यादा है, इसको एक नजर देखा जाना चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और फिर इंडिया और अमेरिका, मतलब ऑस्ट्रेलिया और अगर अमेरिका की बात की जाए तो एक कोना दुनिया का और दूसरा कोना तकरीबन इस तरह बनता है। जी जी, बावजूद सर इस बात पे राजी करना, और हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमें सर जयशंकर साहब या बाकी उनके लोगों को दाद देनी पड़ेगी, और इस वक्त भी सुना है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद डाला जाए, लेकिन मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से, जर्नलिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा जवाब वही होगा जो हमने 2+2 में वाशिंगटन में दिया था और जो बाइडन को जो वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप क्या कहेंगे सर कि कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट अ टाइम, हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना, रूस एक और तरफ है, जापान एक और तरफ है, ऑस्ट्रेलिया किसी और तरफ है, अमेरिका किसी और तरफ है, लेकिन नेटो के जो सेंट्रल यूरोप के जो मुल्क हैं, जापान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए